सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो ये है चैप्टर नंबर 51 एंड चैप्टर नंबर 50 में हमने बात की थी ब्लेंडर के डिफॉर्म मॉडिफायर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था आप कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकते हैं विद दी अनदर ऑब्जेक्ट। सो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए उस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एडोन्स। सो एडोन्स बेसिकली क्या होते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा उनका एक ओवरव्यू दे दूं। एडोन्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू हमारे जो नॉर्मल टूल्स होते हैं वो एडवांस हो जाते हैं, हमको कम मेहनत में हमें ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलता है, ठीक है। सो क्योंकि मैंने इसमें एक चीज़ और रियलाइज़ करी है कि हर बंदा एडोन को परचेज़ नहीं कर पाता, तो मैं आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे और यूनिक से एडोन ढूंढ के लाऊंगा, फ्री होंगे एंड मैं ट्राई करूंगा कि पहले आपको फ्री एडोन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ और उनके उनको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊँ। फिर अगर मेरे को कहीं से भी कुछ सोर्स मिलता तो मैं आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करूँगा, ओके जी। एंड तो उसी में से आज हम एक एडोन के बारे में बात करने वाले हैं, वो है टर्न अराउंड एडोन। टर्न अराउंड एडोन बेसिकली काम क्या करता है, सो मान लीजिए अगर आपने कोई भी अपना एक मॉडल बनाया है, अगर आपको उसको शोरील में दिखाना है कि आपको कोई अपना मॉडल 360 डिग्री दिखाना है, तो आप मैन्युअली भी कोई एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको कैमरा ट्रैकर लगाना पड़ेगा या फिर आपको कैमरा को ट्रैक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। तो इतना सब कुछ ना करने के लिए हमारे पास ब्लेंडर का एक डिफॉल्ट एडोन है जिसे कहते हैं टर्न अराउंड एडोन। एंड आप देख सकते हैं मैंने उसको यहाँ पर यूज़ किया, अगर मैं जैसे ही प्ले एनिमेशन करूँगा तो आप देखिएगा कैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका 360 व्यू हमें कितने अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यही बताने वाला हूँ कि आप पूरा एडोन आज कैसे यूज़ करेंगे एंड कैसे उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैं अपना एन प्रेस करूँगा तो यहाँ जैसे ही मैं एनिमेट सेक्शन में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक टर्न अराउंड कैमरा है। तो अगर आपका एनिमेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप जाइए एडिट प्रेफरेंस एंड यहाँ आपको सर्च करना होगा टर्न अराउंड कैमरा करके, ठीक है। ऐसे करके आपको एनिमेशन सेक्शन में ये मिल जाएगा, आपको यहाँ से ये चेक इन कर लेना है और मेक श्योर आपका यहाँ पे ऑटो सेव प्रेफरेंस ऑन हो, अदरवाइज़ क्या होगा अभी तो ये आपका यहाँ पे शो करेगा। अगर आप दोबारा ब्लेंडर ऑन करेंगे तो आपका यहाँ पे ये नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा भी ब्लेंडर खोलें और ये ऑप्शन यहाँ पर रहे तो अब यहाँ से आप ऑटो सेव प्रेफरेंस को इनेबल कर लें, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ पर हम आते हैं अपने को सेटिंग्स पे। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कैमरा को यहाँ से अनलिंक कर देता हूँ एक तरीके से, ठीक है। और मैंने ये कैमरा यहाँ से हटा दिया है पूरा, तो अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है यहाँ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इस कैमरे को डिलीट ही कर दूँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और फिर मैं ऐड करूँगा एक नया कैमरा प्रेसिंग द शिफ्ट ए, और यहाँ मैंने ऐड किया एक नया कैमरा, फिर मैंने प्रेस किया ज़ीरो, और ज़ीरो प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने व्यू वाले सेक्शन में जाके मैंने यहाँ से अपना इनेबल किया कैमरा व्यू, और उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल डाउन कर दिया। तो आपको जो भी कैमरा व्यू चाहिए स्टार्टिंग में आप इसे ऐसे रख सकते। तो मान लीजिए मेरे को ये कैमरा व्यू सही लग रहा है मैंने यहाँ पे ही सेट कर लिया। देन उसके बाद जाऊँगा मैं अपने एनिमेट सेक्शन में और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारा दिखा रहा है कि टर्न अराउंड में नो वैलिड ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। तो बेसिकली आपको कैमरा नहीं सेलेक्ट करना, आपको वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आपको जिसको आपको 360 राउंड में दिखाना है। तो मैंने सेलेक्ट किया इस सिलेंडर को, और जैसे ही मैं सिलेंडर को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अभी हमने गैस सिलेंडर सेलेक्ट किया था, तो गैस सिलेंडर उसने ऑटोमेटिक ले लिया और जो कैमरा था सीन में उसने वो भी कैमरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। पर अब जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करेंगे और एनिमेशन शुरू करेंगे तो आपका कोई भी टर्न अराउंड एनिमेशन होते हुए यहाँ पे नहीं देखेगा, क्योंकि अभी तक हमने उसको इनेबल ही नहीं किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा टर्न अराउंड कैमरा। जैसे आप टर्न अराउंड कैमरा पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट एक बार के लिए हाईलाइट होगा, इसका मतलब कि वो जो आपका एनिमेशन है आपका जो एडोन है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है आपको वो ऐसे टर्न अराउंड होते हुए दिखेगा, और आप देख सकते हैं आपकी इसमें कितनी मेहनत बच चुकी है। आपको ना ही कैमरा ट्रैकर लगाना पड़ा, ना ही आपको कैमरा में कोई एनिमेशन देना पड़ा, रोटेशन की लगानी पड़ी, इसने ऑटोमेटिक सब कुछ कर दिया है। तो बेसिकली ये ऐसे ही काम करते हैं एडोन्स, आपका सारा काम कम करके आपको जल्दी रिजल्ट दे देते हैं, ओके। हम बात कर लें तो कुछ और ऑप्शंस के बारे में इसमें। अब तो हमने ये चीज़ तो देख ली, यहाँ पे आप बेसिकली आपको कैमरा सेलेक्ट करना हो, यहाँ पे आपको जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर आता है रोटेशन, आपको कितने से कितने फ्रेम में रखनी है। अभी हमारा है एक फ्रेम से लेके 250 फ्रेम तक, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपको यहाँ से इंक्रीज़ करना तो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर आपको डिक्रीज़ करना तो आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, पर 250 बाई डिफ़ॉल्ट बहुत बढ़िया है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आ जाते हैं एक्स वाई जी वाले में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये आपके जो रोटेशन है कौन से डायरेक्शन में कैसे आपको इन्वर्स करनी है। आपको अगर मान लीजिए आपको अगर अभी हमारी जो रोटेशन है वो ऐसे चल रही है, अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप यहाँ से भी बाई डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। नहीं तो उसका एक और ऑप्शन है, वो है बैक टू फॉरवर्ड, आप इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप एनिमेशन प्ले करेंगे तो आप देखिए आपको जो एनिमेशन अभी भी सीधा ही चल रहा है। तो एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो आपको एक बार यहाँ पे टर्न अराउंड पे क्लिक करना होगा, तभी जाके वो चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट होंगी,
जैसे ही आप टर्न अराउंड पर क्लिक करेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा, मतलब वो चीज़ें आपके उसमें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। अब जैसे ही आप एनिमेशन को प्ले करेंगे तो आप देखिए आपका जो एनिमेशन है पहले ऐसे आगे जाएगा फास्ट फॉरवर्ड में, फिर ये एनिमेशन एकदम से पीछे को आएगा, तो बैक टू फॉरवर्ड आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एनिमेशन पीछे की तरफ ही जाए तो आपको यहाँ मैन्युअली आपके पास ऑप्शन है आपको कौन से एक्सिस में आपको अपना कैमरा इन्वर्स करना है कौन। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो अगर मान लो मैं इसको हटा के यहाँ पर ये माइनस वाला इनेबल कर दूँ और फिर मैं टर्न अराउंड इनेबल कर दूँ, तो अब जो आपका एनिमेशन होगा वो आपका इन्वर्स साइड को चल रहा होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। वही चीज़ अगर मैं इसको इन्वर्स हटा दूँ तो अभी एनिमेशन आपको सुलटी साइड को चलेगा, पर अभी चलेगा नहीं जब तक आप इस पर टर्न अराउंड अप्लाई नहीं करेंगे, अभी राइट हैंड साइड को चलेगा, वही एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अगर आपको करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रिएट अ ट्रैक कंस्ट्रेनर। ट्रैक कंस्ट्रेनर क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे आपको कंस्ट्रेनर लगा देगा आपके कैमरे पे और फिर आप अकॉर्डिंग टू अपने उस कंस्ट्रेनर के कोई भी एक्सिस को, कोई भी उस ऑब्जेक्ट के किसी भी एंगल को आप कैप्चर कर सकते हैं या फिर ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, देन उसके बाद मैंने टर्न अराउंड पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेनर लग चुका है। अब आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कंस्ट्रेनर यहाँ कहीं लगा हुआ है, और जैसे मैं इस कैमरे को सिलेक्ट करूँगा और अपने कंस्ट्रेनर सेक्शन में जाऊँगा तो यहाँ देखिए हमारे पास एक कंस्ट्रेनर लग चुका है, उसने ऑटोमेटिक सारी सेटिंग्स कर दी है। देखिए यहाँ ये इन्फ्लुएंसर है इसका जो कंस्ट्रेनर का है, ठीक है। अब क्या होगा, आप देखिए थोड़ा कैमरा हमारा ऊपर की साइड को जा चुका है, जैसे ही मैं इसको मूवमेंट करने की कोशिश करूँगा ना तो आप यहाँ से देखिए इसको स्लाइड नहीं कर सकते हो, आप बस खाली इसको ट्रैक कर सकते हो। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर हम स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो स्लाइड नहीं होगा वो, ठीक है। हालांकि एनिमेशन पूरा चलेगा पर अब वो ट्रैकर के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आपको यहाँ से देखना तो देखिए आप ऐसे करके यहाँ से मूवमेंट दे सकते हैं, आप ट्रैक जी करिए तो फिर यहाँ से चीज़ें थोड़ा चेंज होंगी। ओके, फिलहाल मैं इस कंस्ट्रेनर को भी यहाँ से हटा देता हूँ और फिर मैं क्लिक करता हूँ टर्न अराउंड पे, ठीक है। तो आई थिंक हमें कंस्ट्रेनर यहाँ से हटाना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, तभी हम इसको ऐसे मूव कर पाएंगे शिफ्ट के साथ। ओके, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यूज़ कर्सर टू पोजीशन। बेसिकली क्या है कि अभी हमारा जो एनिमेशन है वो एकदम सेंटर से चल रहा है इस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन के हिसाब से। देखिए अब मान लीजिए आपको कोई एनिमेशन ऐसा करना है कि आपको कर्सर के अकॉर्डिंग वो चले, तो आप क्या करेंगे अपने कर्सर को यहाँ कहीं रख देता हूँ। मान लो मैंने रखा शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक किया तो मेरा कर्सर यहाँ आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑप्शन यूज़ कर्सर टू पोजीशन, उसके बाद मैंने क्लिक किया टर्न अराउंड। अब हमारा जो एनिमेशन है इस कर्सर के अकॉर्डिंग चलेगा ना कि इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। ओके, अगर आपको ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट करनी है तो इसके दो ऑप्शन है, या तो आपको शिफ्ट एस प्रेस करके करना होगा कर्सर टू ओरिजिन, नहीं तो आपको ये चीज़ हटा देनी होगी यहाँ से और फिर टर्न अराउंड करोगे तो जहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट होगा ये ऑटोमेटिक वहाँ पे दिखने लग जाएगा। पर हम करते हैं सबसे पहले कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, ठीक है, एंड देन हम यहाँ से अपने इस ऑब्जेक्ट को भी कर देते हैं सिलेक्शन टू कर्सर, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया, अब आपको इसको ऐसे बस स्लाइड कर देना है, यहाँ पर क्लिक करना है टर्न अराउंड पे, तो आपका जो एनिमेशन है परफेक्टली उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। अभी जो हमारे तो कंस्ट्रेनर लगाया था यहीं पे दिख रहा है हमें, तो हम इसे हटा सकते हैं अगर हमको हटाना हो तो, ठीक है। टर्न अराउंड ये देखिए, ठीक है। फिर हमारे पास ऑप्शन आते हैं लेंस इफेक्ट का। तो लेंस इफेक्ट बेसिकली क्या है, इसमें दो ऑप्शन है, एक है डॉली जूम है, एक है डॉली जूम BF। मतलब तो डॉली जूम तो होगा वो नॉर्मली यहाँ पे हमें फ्रेम दिख रहे हैं फ्रॉम 35 से लेके फ्रॉम 35 तक अभी सेट हो रखा है, तो जैसे मैं टर्न अराउंड पर क्लिक करूँगा तो आपको ज़्यादा कुछ इस पर फ़र्क दिखेगा नहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे। पर जैसे ही मैं इस डॉली जूम के फ्रेम को यहाँ से करूँगा फ्रेम 5 से, तो आपको चीज़ें थोड़ा चेंज होते हुए दिखेंगे। देखिए अब बेसिकली क्या होगा कि हम आप यहाँ पे थोड़ा सा लेंस की मूवमेंट देख सकते हैं 5 फ्रेम्स अगर आप ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे। एंड वैसे ही तो दूसरा ऑप्शन है डॉली जूम बैक फॉरवर्ड, इसमें भी सेम चीज़ होती है, बस चीज़ें थोड़ा बैक फॉरवर्ड को होने जाती हैं। बेसिकली कैमरा में एक मूवमेंट होती है हल्की सी, वो आई थिंक हमें जब हम कुछ बढ़िया सा एनिमेशन करेंगे तो उसमें आपको ये अच्छे से नोटिस होगी। पर आपका बेसिक मैंने सारा क्लियर कर दिया कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे काम करती है, ठीक है। स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम आपको पता चल गया, आप इंडिविजुअली भी एक्सेस के वाइज चीज़ों को इन्वर्स कर सकते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ से कैमरा क्लियर करना, आप कैमरा क्लियर कर सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए कैमरा क्लियर हो जाएगा। अब आपका एनिमेशन कैमरे से हट गया है बट नॉर्मली चल रहा है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसे कुछ हमारा काम करता है ये टर्न अराउंड कैमरा। एंड बहुत ही यूज़फुल है आपको अगर आप कोई भी शोरील बनानी है, आपको कोई भी एक टर्न अराउंड, आपको कोई भी एक 360 प्रोडक्ट का अगर शॉट दिखाना है तो आप इससे बहुत ईजिली दिखा सकते हैं। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो आज, एंड आई होप आप कुछ इससे अच्छा सा बनाएंगे। सो आज की वीडियो को लेते ही गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइज़।